लोन चाहिए इंस्टेंटली, इधर उधर मत देखो, बस अपने पॉकेट से फोन निकालो, इंडिया बुल्स धनी ऐप डाउनलोड करो, चलो करो, अपना मोबाइल नंबर एंटर करो, अब ओटीपी जो आपके मोबाइल पर आया है उसे एंटर करो और लो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। ओटीपी ना आए तो रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करो। अगर किसी कारण ओटीपी ना आए या आप कहीं अटक जाए तो कॉल आइकन को क्लिक करके इंडिया बुल्स धनी के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट करो या फिर कॉल बैक का ऑप्शन सिलेक्ट करो। अब लोन अमाउंट और आधार नंबर फिल करो। ओटीपी जो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है उसे एंटर करके आधार नंबर वेरीफाई करो। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक्ड नहीं है तो टेंशन मत लो, मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड लिंक पर क्लिक करो और अगले स्टेप में अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करो। अब अपनी पर्सनल डिटेल्स एक बार चेक करो। अगर आपका करंट एड्रेस आपके आधार रजिस्टर्ड एड्रेस से अलग है तो यहाँ पर क्लिक करो और अपना करंट एड्रेस फिल करो। एंड धोनी इज एलिजिबल फॉर धनी लोन। अगर इंडिया बुल्स धनी के पास आपके क्रेडिट हिस्ट्री की पूरी जानकारी नहीं है तो आपको धनी के सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म पर अपनी इनकम वेरीफाई करनी होगी। इसके द्वारा धनी के सिस्टम्स आपके बैंक स्टेटमेंट्स को सिर्फ रीड कर पाएंगे एंड योर लोन इज सैंक्शनड। सिंपल, लोन अमाउंट, टेन्योर, ईएमआई की स्टार्टिंग डेट, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस और बाकी सारी डिटेल्स चेक करो। याद रखो, अगर आप कहीं भी अटक जाते हैं तो कॉल आइकन को क्लिक करके इंडिया बुल्स धनी के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट करो या फिर कॉल बैक का ऑप्शन सिलेक्ट करो। अब लोन की रकम ट्रांसफर होने से पहले एक सेल्फी तो बनती है, सीरियसली। लो, आपके लोन के डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। व्यू बटन पर क्लिक करो और चेक करो। लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे लोन टर्म्स, लोन अग्रीमेंट, रीपेमेंट शेड्यूल आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी मेल किए जाएंगे। अब एक्सेप्ट करो और ऑनलाइन साइन करो। ऑनलाइन साइन इजी है। ओटीपी जो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया है उसे एंटर करो। बस हो गया। एक आखिरी स्टेप, जिस बैंक अकाउंट में आप अपना लोन अमाउंट चाहते हो उसे इंडिया बुल्स धनी के साथ रजिस्टर करो। ध्यान से सुनो, इस अकाउंट से आपकी ईएमआई की रकम भी कटेगी। ईएमआई अकाउंट में से हर महीने ऑटोमेटिकली डिडक्ट करने के लिए अपने नेट बैंकिंग अकाउंट से इंडिया बुल्स धनी के साथ 1 से 5 रुपए तक का ट्रांजैक्शन करो। अगर आपके बैंक का नाम दिए गए बैंक लिस्ट में ना हो तो आपको एक ऑटो मैंडेट का ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। डोंट वरी, इसके लिए इंडिया बुल्स धनी के कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। बधाई हो, लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। धनी ऐप लोन डिस्बर्सल के बाद आपके लोन अकाउंट को मैनेज करने के लिए भी काम आएगा। इस ऐप के द्वारा आप अपना लोन रीपेमेंट शेड्यूल देख सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स एडिट कर सकते हैं और तो और पेमेंट्स भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस में अगर आप कहीं भी अटक जाते हो, आधार काम ना करे या ओटीपी ना आए, ई साइन ना कर पाए तो कॉल आइकन को क्लिक करके इंडिया बुल्स धनी के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट करो या फिर कॉल बैक का ऑप्शन सिलेक्ट करो। है ना सिंपल? जरूरतें जो भी हो, धनी सबके लिए है। इंडिया को पहली बार मिलेगा फोन से लोन, इंडिया बुल्स धनी ऐप से, और वो भी आपके अकाउंट में इंस्टेंटली। तो रुके क्यों हो? डाउनलोड धनी ऐप नाउ।